आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहली यूनिट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग की, वो है हमारी है कंपनीज अकाउंट। और जो कंपनीज अकाउंट है, ये हमने थोड़ा बहुत ट्वेल्थ में पढ़ी है, ठीक। तो मैं बात करूँ, जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को दो तरह से इशू करती है। इशू करना मतलब अपने शेयर्स को पब्लिक को दो तरह से ऑफर करती है, या तो वो पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है और उसके बदले में कैश मांगती है, या फिर कभी कभी क्या करती है वो अदर देन कैश करके क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है, ठीक है ना। पब्लिक को शेयर तो दे देती है, पर वो उसके बदले में क्या नहीं मांगती है, कैश नहीं मांगती है, ठीक है। तो दो तरीके से हमारा इशू ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। तो पहला तरीका हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और पहले तरीका का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का मतलब जब कंपनी क्या करे, अपने शेयर पब्लिक को दे और पब्लिक उसके बदले में क्या दे, कैश दे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या नाम देंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश भी दो तरीके से होता है। मतलब जब पब्लिक को हम क्या देते हैं, कैश, मतलब पब्लिक को हम क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं, तो शेयर्स के बदले में भी हमें कैश तो मिलता है, पर कभी कभी क्या होता है, कैश हमें क्या मिलता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और कभी कभी हमें एक साथ मिलता है। जब हमें कैश एक साथ मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं, ठीक है, लमसम नाम देते हैं। लमसम का मतलब जब हमें पब्लिक क्या दे दे, एक साथ हमें क्या दे दे, कंपनी के पैसे दे दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लमसम, ठीक है। और जब क्या करे, पब्लिक कंपनी के पैसे इंस्टॉलमेंट में दे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दे, तो उसको हम नाम देते हैं इंस्टॉलमेंट वाला केस, ठीक। बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं कि जब इशू ऑफ शेयर्स किस में हो, कैश में हो, और हम हमारी कैश है जो कंपनी की जो कैश है वो पब्लिक क्या दे रही हो, एक साथ दे रही हो, तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज बनेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किस बारे में पढ़ेंगे, हम एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है ना। एंट्रीज बनाएंगे कि जब हमें क्या मिलता है, कंपनी को क्या मिलता है, शेयर के बदले में पैसा मिलता है, ठीक है, तो किस तरह से एंट्रीज बनती है। वो मैंने बताया कि पैसा कभी कभी क्या मिलता है, लमसम में मिलता है, और कभी कभी क्या मिलता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि जब हमें पैसा एक साथ मिले, ठीक है, एक साथ मिले, तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज बनेंगी। उस टाइम पे एंट्रीज बनेंगी, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। जब भी हमें क्या चीज, जब भी हमें क्या अमाउंट लमसम में पे हो रही हो, ठीक है ना, जब हमें एक साथ लमसम में क्या हो रही हो, रिसीव हो रही हो, ठीक है, जब हमें अमाउंट लमसम में रिसीव होगी, तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। जितना भी पैसा है वो किसके, हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, कहाँ से, पब्लिक के थ्रू, ठीक है। पब्लिक हमें क्या दे देगी, हमारे पैसे दे देगी, वो भी एक साथ, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या बनती है, दूसरी एंट्री बनती है, जितना भी हमें पैसा रिसीव हुआ है, उस पैसे को अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसमें, शेयर कैपिटल में, ठीक है। पहली एंट्री ये बनती है, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जितना भी पैसा हमें मिला है, उस पैसे को अब हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एंट्री बनती है, किस टाइम पे, लमसम वाले केस में, जब भी इशू करे कंपनी क्या शेयर्स को, किसके लिए, फॉर कैश के लिए, और तो उस टाइम पे जब भी लमसम हमें अमाउंट रिसीव हो, हमें मतलब कंपनी को रिसीव हो, तो उस टाइम पे क्या बनती है, दो एंट्रीज बनती है, ठीक है। पहली एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये तो बात थी किसकी, जब क्या करें हम, लमसम वाला केस की बात करें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो अब हम क्या कर लेते हैं,
एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसके लिए क्वेश्चन की बात करते हैं? जब कभी हमें क्या हो, लमसम में क्या हो, अमाउंट रिसीव हो, तो उस टाइम पे किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। डायनेमिक लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पेएबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30 अप्रैल 2019 एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2019। यहाँ पे क्या कहा है कि जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमारी कंपनी थी डायनेमिक लिमिटेड, डायनेमिक लिमिटेड ने क्या किया है, 1 लाख शेयर को क्या किया है, इशू किया है किनको, पब्लिक को, और एक शेयर की वैल्यू कितनी दी है, 10 रुपए दी है। ठीक है, 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू दी है और उसके साथ एक्स्ट्रा मनी कुछ नहीं ले रहे हो। एक्स्ट्रा मनी जब कुछ नहीं लेते हैं तो इसको हम नाम देते हैं पार। जितने का शेयर है, पार मींस कि 10 रुपी का शेयर था, 10 रुपी के ही हमने क्या किया, इशू किया है। किसको इशू किया है, पब्लिक को इशू किया है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पार वाला केस नाम देंगे। और प्रीमियम वाला केस भी हम अभी करेंगे सॉल्व। ठीक है, प्रीमियम वाला का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर था और उसके साथ हम 2 रुपए क्या ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, फेस वैल्यू। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे क्या, प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, बात समझे। पार का मतलब कि जितने का शेयर है हम उतने का ही क्या कर रहे हैं, पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, और प्रीमियम का मतलब जितने का शेयर है उसमें उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी जोड़ के हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। तो मतलब इस शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 रुपए पर शेयर हो चुकी है। ठीक है, पर अभी हम क्वेश्चन कौन सा वाला कर रहे हैं, एट पार वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस जब क्या हमें पैसा रिसीव हो, पर कौन सा, पार वाला। ठीक है, पार के टाइम पे जब हमें पैसा रिसीव होता है तो किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा ये, क्योंकि हमें पता है कि जो 10 रुपए हैं उसमें ये नहीं बताया कि जो 10 रुपए हैं वो कब, एप्लीकेशन में कितने लिए गए थे और अलॉटमेंट में कितने लिए गए। उसने कहा था कि जो 10 रुपए हैं उस 10 रुपए को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ दोनों के साथ एक साथ लिया था, इसलिए हम क्या नाम देंगे उसको, लमसम वाला केस नाम देंगे। और लमसम वाले की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि एप्लीकेशन में कितने रुपए दिए हैं और अलॉटमेंट में कितने रुपए दिए हैं। यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखा है, 10 रुपए लिखा है, तो 10 रुपए सीधा सीधा लिखा है, तो हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, लमसम वाला केस नाम देंगे। जब आप इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो देखोगे तो उस टाइम पे आपको सब चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि इंस्टॉलमेंट के टाइम पे किस तरह से हम पार में प्रीमियम में क्या करते हैं, एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमें कितने शेयर हमने क्या किए थे, इशू किए थे, हमने किए थे 1 लाख शेयर को हमने क्या किया था, हमने इशू किया,
1 लाख शेयर को हमने इश्यू किया था और 10 ईच थे, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए थी, तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 लाख। और यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें कितना, 10 लाख, ठीक है। तो हमें कितना कितना मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा, ठीक है। इसको इसको हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल गया, 10 लाख मिल गए हैं, कितने शेयर के रुपए मिल चुके हैं, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो अब नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी बीइंग बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। और सेकंड एंट्री क्या बनेगी, अब जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड एंट्री बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना हम ट्रांसफर करेंगे, कितना हम ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा इतना ही ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें कितना है, 1 लाख × 10 रुपए, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 10 लाख और 10 लाख, और नरेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे हमें नरेशन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि नरेशन के ना लिखने से हमारे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं किसका, लमसम वाले केस का, कि जब हमारे शेयर को क्या किया जाए, इशू किया जाए फॉर कैश, और कौन सा वाला हो, लमसम वाला केस हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। लमसम में भी मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया आपको, एट पार वाला क्वेश्चन कराया। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि प्रीमियम वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं जब क्या हो, लमसम हो, ठीक। तो क्वेश्चन में हमें लिखा है, डब्ल्यू लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पेएबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। All the shares were applied and duly allotted. Pass necessary journal entry and, ठीक है, pass necessary journal entry, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि यहाँ पे 10 रुपए के साथ साथ हमारे क्या लिए गए, 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए, इसी को हम क्या नाम देंगे, प्रीमियम नाम देंगे, ठीक है। ये प्रीमियम वाला केस है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू के साथ कुछ रुपए एडअप तो होंगे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा वाला केस कर रहे हैं, हम एट प्रीमियम वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो टोटल अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12 रुपए हो चुकी है, 12 रुपए एक शेयर की वैल्यू हो चुकी है। तो हम अब उस शेयर के साथ, टोटल शेयर के साथ हम कितने का इंटू करेंगे, 12 का इंटू करेंगे। और उसने क्या, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा, क्वेश्चन ने हमें कहा कि जो प्रीमियम की अमाउंट है इसको हम किसके साथ लेंगे, एप्लीकेशन के साथ लेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ लेंगे। वैसे जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको हम कहाँ लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में। प्रीमियम की अमाउंट को कहाँ लिया जाता है, हर समय अलॉटमेंट की एंट्रीज में लिया जाता है, ठीक है ना। अलॉटमेंट की एंट्री कौन सी वाली, जब हम अलॉटमेंट को क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। वैसे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा ड्यू क्या होता है, रिसीव क्या होता है। बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीमियम की है, प्रीमियम के रुपए हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, अलॉटमेंट में लिए जाते हैं, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से अब प्रीमियम के केस में लमसम वाली एंट्रीज बनेंगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एंट्रीज को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा क्या था, यहाँ पे लिखा था कि जो 20,000 शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, उनको हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, वो भी किसके साथ, 10 रुपए के साथ हम क्या, 2 रुपए ऐड कर रहे हैं, मतलब 12 रुपए पर शेयर की वैल्यू है, ठीक। तो हम, तो अब हम
एंट्रीज बना देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। कितने कितने हमें रिसीव हुए हैं, 20,000 में हमें पर शेयर कितना दे रखा है यहाँ पे, 12 दे रखा है, ठीक है। पर शेयर की वैल्यू कितनी है, वैसे तो 10 थी, पर 10 के साथ हम क्या कर रहे हैं, ₹2 प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ₹2 ये क्या कर रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, इसलिए कितने, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, अब कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा एक शेयर की वैल्यू, मतलब यहाँ पे भी हम कितना लिख देंगे, 2,40,000 लिख देंगे, और यहाँ पे एंट्री बन जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है। नरेशन बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी बना देता है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, इस अमाउंट जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है, उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल में। अब किस तरह से प्रीमियम के टाइम पे ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में, वो देखना आप, ठीक। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR लिखेंगे। SPR का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। जो प्रीमियम वाला केस होता है उस टाइम पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे SPR लिखते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। हमने कितना कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया, ₹2 एक्स्ट्रा चार्ज किया, कितने के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए, राइट, ठीक है ना। और शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वाली अमाउंट आएगी, फेस वैल्यू आएगी। अब थी कितनी एक्चुअल में फेस वैल्यू, ₹10 थी, कितनों के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए, ठीक। और टोटल कितना है, टोटल कितना हुआ यहाँ पे, टोटल हो गया कितना, 12, ठीक है। हमने हमें टोटल रिसीव हुआ कितना, 2,40,000, उसमें से जो हमारे शेयर कैपिटल में गए वो कितने गए, 2,00,000 गए, ठीक है ना। और ये 40,000 कहाँ जाएंगे, 40,000 हमारे कहाँ जाएंगे, SPR में जाएंगे, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 40,000, समझ में आया कि किस तरह से हम SPR की अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना, किस टाइम पे, एट प्रीमियम वाले केस के टाइम पे, ठीक। तो हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, या फिर हम इतना भी लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लमसम वाले केस में पार की और प्रीमियम की एंट्रीज बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टॉलमेंट के टाइम पे किस तरह से एंट्री बनती है, कि कितनी कितनी एंट्रीज बनती है, ठीक है।